मैं सिर्फ मैं तो कलर्स को सपोर्ट करने आया हूँ यार, आई मीन वेरी ऑनेस्ट, मुझे मालूम नहीं कौन क्या खेल रहा है, मैं तो कलर्स की वजह से सर, आई हैव कम हियर फॉर राजनायक, सही है कि नहीं, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। देखिए जब भी कलर्स किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो कुछ ना कुछ नोबल कॉज जरूर होता है, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट आई एम हियर, बिकॉज नो जोक्स असाइड ऑफ कोर्स राजी ने नायक साहब ने मुझे कहा आने के लिए, मगर उससे ज़्यादा ये है कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे मेरे दोस्त हैं और फिल्म इंडस्ट्री के हैं, और ये एक ऐसा क्रिकेट मैच है जो काफ़ी जो लोग हैं जिनकी मैं इज्जत भी करता हूं, जिनसे मैं प्यार भी करता हूं, वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं यहां हूं, और वो सारे लोग जो भी हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोबल करते ही रहते हैं। और कुछ ऑफ कोर्स आई एम यस, you know, I think they should just go and enjoy the game and not be stressed that they, you know, they have to defend. I think they should not defend, they should attack. Sorry? Yeah, I would love to have Yuvraj there. I think, I'm a great admirer of his game and he as a person also, so I wish he wasn't, but next time, you know, you should never feel bad. I think you should move on. As I think whatever happens, that's been the way I look at things. If he's not there in the team, it must be good for him. And he should think like that and come back in the next World Cup. No, but there'll be day and night matches also, right? So, obviously, I'm not a night person, I'm a morning person. So I think I'll try and catch up all the matches which are there early in the morning. अरे वेरी गुड, मुझे तो कब से पता था ये वो, मैं अटक जाता हूँ, मेरे को मैसेजेस आते हैं, मेरे को गाली आते हैं. So I don't know actually, I don't know. मैं तो वेगास में रहा, मेरे को कुछ नहीं पता.